दादरा एवं नगर हवेली में धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाया गया आजादी की 75वीं वर्षगांठ। संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बड़े ही उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिलवासा के स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित मुख्य समारोह में जैसे ही दानह दमन दीव एवं लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज को रिमोट के जरिए लहराया, वैसे ही आसमान से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा कराया गया। झंडारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान से पूरा समारोह झूम उठा। चारों तरफ विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा उछाल रहे हमारा की राष्ट्रभावना ने सभी के अंदर एकता एवं अखंडता की अलख जगा दी। समारोह को संबोधित करते हुए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने जहां संघ प्रदेश को विकास की बुलंदी पर ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, वहीं संघ प्रदेश में चल रहे चौमुखी विकासीय कार्यों पर प्रकाश डाला। दानह दमनदीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने दानह की सबसे बुजुर्ग महिला का नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया, साथ ही बुजुर्ग महिला का राष्ट्रध्वज से सम्मान भी किया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने पुलिस सेवा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित किया। वहीं नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 और 11 के सदस्यों एवं जिला पंचायत में रखौली और अम्बोली पंचायत को सम्मानित किया गया। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने आज के खास अवसर पर कार्यक्रम में आमंत्रित स्वतंत्रता सेनानी को श्रीफल शॉल और तिरंगा देकर सम्मानित किया। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में दानह दमनदीव एवं लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ प्रशासक ने सलाहकार दानह जिला कलेक्टर RDC नगर पालिका एवं जिला पंचायत के प्रमुख मुख्य अधिकारियों चुने गए जनप्रतिनिधियों सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी उद्योगपति वरिष्ठ नागरिक स्कूली बच्चों समेत आमंत्रित जनता जनार्दन मौजूद रहे। जैसा कि परमादरणीय प्रशासक महोदय जी ने 75 वर्ष स्वतंत्रता माता की और माता की सर्वप्रथम आज आप पावन पर्व आप सर्वे ने हृदय पूर्वक की शुभकामनाओं का मित्रों आदेश सोनाली चिड़िया आपने सौर्य इतिहास पर का माध्यम से जानू अरे हकीकत मित्रों लगभग 1000 वर्ष सुधी आक्रमण करो विदेशी आक्रमण करो आ देश ने लूटने जितने सत्य लूटने प्रयास 70 बार मगर गरीबी के बाद लुटाया देश ने लूटवा माटे सतत प्रयास मित्रों ये बताने से कहा देश को वैभव क्यों मित्रों लोग एम कहे थे इतिहास में गवाह थे क्या देश में भी दूसरी नदी उभर थे मुगल आक्रमण खोल पची पर देश में जे संपत्ति है संपत्ति ने लूटवा माटे देश की जो आज थी देश विषय की जो माहिती अभी पास थी विदेशियों पास एना आधार फरी थी लोग व्यापार ना बहाने आ देश पर लगभग 200 वर्ष सुधी रहा 200 वर्ष सुधी आ देश ने लूटा रहा तेम छता આ દેશે પોતાની ઓળખ ક્યારે ગુમાવી નથી મિત્રો એટલે આ મુગલ આક્રમણ કરો અંગ્રેજો જે આક્રમણ કર્યા દેશને લૂંટ્યો દેશને ગુલામ બનાવ્યો દેશને ગુલામીને જંજીરોમાંથી મુક્ત કરવા માટે જે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ તે પોતાના શ્રેષ્ઠ બલિદાનો આપ્યા છે આપણા જવાનો એ પોતાના શ્રેષ્ઠ બલિદાનો આપ્યા છે હૃદયપૂર્વક
वंदन करू छू सतत नमन करू मातरम वंदे मातरम।